Very good morning students, how are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher and today I am going to teach you some basic concepts of maths. बच्चों, maths में कुछ basic चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप maths में कुछ नहीं कर सकते. वो जो basic चीज़ें हैं जो आपको हर क्वेश्चन में आगे बड़ी क्लासेस तक आपके यूज़ होती हैं, वो है बच्चों आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये चार चीज़ें बच्चों आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि आप आँख बंद करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आप बिल्कुल एकदम करेक्ट कर सकते हैं. उसमें आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये क्वेश्चंस कितने भी डिजिट के हों आप इजीली उनको कर सकते हैं. तो ये आपको इनकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. तो चलिए हम एडिशन से शुरू करते हैं. ठीक है, एडिशन सबसे पहले हम वन डिजिट के शुरू मतलब सीखते हैं. अब जैसे ये वन डिजिट का मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 एंड 5 को हमें प्लस करना है. तो 4 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, दोनों को मिलाकर 9. तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं. इसी तरह से वन डिजिट के बाद बच्चों फिर हम टू डिजिट के क्वेश्चन करना सीखते हैं. तो यहाँ पे देखिए, मैंने टू डिजिट का लिखा हुआ है विदाउट कैरी. ये एडिशन में भी हम टू टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं. पहले हम सीखते हैं विदाउट कैरी, उसके बाद हम सीखते हैं विद कैरी. तो पहले हम ये विदाउट कैरी के हैं. तो 2 और 1 को हमें प्लस करना है. तो 2 और 1 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे. 3 और 4 उनको मिला देंगे हम, तो आ जाएगा 7. कैरी कब होता है बच्चों, जब नीचे इनका प्लस करने के बाद आंसर हमारा टू डिजिट में होता है, यानी 10 से शुरू होते हैं नंबर. जब 10 आता है या 10 से ज़्यादा आता है तब हम यहाँ पर ऊपर कैरी लगाते हैं. तो अभी हमारे बिना कैरी के हैं. अब मैंने एक डिजिट और बढ़ा दी तो यहाँ पर 3 डिजिट हो गई. तो हमें इसी की तरह करना है. पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे लास्ट से. पहले हम इनको प्लस करेंगे, 2, 3 एंड 2, 5. अब 4 और 1 को प्लस करेंगे, 5. 5 और 3 को प्लस करेंगे, 8. तो ये हमारा 3 डिजिट का क्वेश्चन है. इसी तरह से डिजिट, अब हमने एक डिजिट देखी यहाँ पर और बढ़ा दी. अब ये 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट का क्वेश्चन है. तो हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने इसको प्लस किया है. यहाँ से शुरू करेंगे, 4 एंड 3, 7. 5 और 4 को प्लस करेंगे, 9. 2 और 5 को प्लस करेंगे, 7. 6 एंड 2 को प्लस करेंगे, 8. तो ये थे हमारे बच्चों विदाउट कैरी के. तो चाहे वो वन डिजिट का क्वेश्चन हो, चाहे टू डिजिट, थ्री डिजिट या 4 डिजिट, हमें करना है इसी तरह से. जितने डिजिट आगे होंगे उतना ही हम उनको प्लस करते चले जाएंगे. अब है हमारे कैरी वाले क्वेश्चंस. देखिए, ये टू डिजिट के क्वेश्चन है. 8 एंड 5 को प्लस करेंगे तो बच्चों आता है 13. और 13 बच्चों हम कैसे लिखते हैं, 1, 3. तो जो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं वो हम नीचे नहीं लिखेंगे, वो हम यहाँ पर कैरी लगा देंगे, टेंस वाला नंबर, और 3 नीचे. देखो, ये अगर यहाँ पे आएगा तो ये 1, 3, 13 हो जाएगा ना, इसलिए 1 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो हम ऊपर पहुँचा देते हैं. और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसे हम नीचे लिखते हैं. अब एक कैरी लगा दिया हमने, तो अब 1, 7 और 2, इन तीनों को ही हम प्लस करेंगे. तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो 1 और 7, 8, और हम फिर से 2 प्लस करेंगे तो 10, ये आ जाएगा 10. ये हमारा आंसर हो गया. ये हमारे 2 डिजिट के थे. अब देखो, मैंने एक डिजिट और बढ़ा दी, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट से, पीछे से. 9 और 5 को प्लस करेंगे, 14. तो 4 लिखेंगे. यहाँ पे जो 1 है वो नीचे नहीं लिखना है, ये वाला 1 हम 5 के ऊपर.
इसके बराबर में जो नंबर है बच्चों उसके ऊपर लिखते हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे, 1 और 5 6 और 7 13। तो यहाँ 3 जो 1 है वो फिर 6 के ऊपर लगा देंगे हम, जो आगे का नंबर होता है। अब इन तीनों को ही प्लस करेंगे हम, ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से बच्चों अगर आगे डिजिट होती हैं तो फिर इसका कैरी आगे लग जाता है। ओके, तो इस तरह से हम कैरी वाले प्लस करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि ये चार चीज़ें ही मैथ्स में आगे तक यूज़ होती हैं। अगर आप प्लस में मिस्टेक कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, सब्ट्रैक्शन में अगर आप मिस्टेक करते हैं तब भी आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये वन डिजिट से हम शुरू करते हैं। पहले हम देखिए वन डिजिट के 9 में से हम माइनस करेंगे 4, तो 5। अब ये टू डिजिट का है तो पीछे से ही शुरू करना है बच्चों, 4 में से पहले हम 2 माइनस करेंगे 2, और 5 में से हम 1 माइनस करेंगे 4। अब ये मैंने एक डिजिट और बढ़ा दी, तो देखिए 5 में से पहले हम 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ा दी मैंने, अब ये 4 डिजिट हो गई। कोई बात नहीं, डिजिट कितनी भी हो हमें करना इसी तरह से, जब तक नंबर ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम माइनस करते जाएंगे। पहले हम इनको करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, अब इसे करते हैं 6 माइनस 3 3, अब ये आ गया 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, अब हम इसे माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। अब इसका कोई नंबर नहीं है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये थे बच्चों विदाउट बोरोइंग। अब है बोरो करके हम माइनस करते हैं। देखिए ये टू डिजिट का क्वेश्चन है, अब हमें 2 में से माइनस करना है 5। बच्चों हमारे पास 2 रुपीज़ हैं और 5 रुपीज़ देने का हम कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। जब ऊपर वाला नंबर कम होता है नीचे से, तो ये नंबर इससे पड़ोसी है, ये इसका, इसके पास कौन है 7, तो 7 से ये बोरो करेगा यानी उधार लेगा। तो दोनों को पहले हम कट करते हैं, इसने इसको 1 दे दिया, 1 इधर आ गया और ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया 12। इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास कम हो गए, तो इसके पास बचेंगे 6। अब हम माइनस, देखो अभी इसके पास 12 हो गए, अब हम माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। अब ये 3 डिजिट के हैं, एक डिजिट मैंने और बढ़ा दी, कोई बात नहीं यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 5 में से 9 माइनस करना है, तो बच्चों ये 5 कम है 9 से, तो माइनस नहीं होगा। अब 5 जो है इसके पास कौन है 9, तो ये 9 से बोरो करेगा। इन दोनों को कट कर देंगे, इसने ये इसको 1 दे दिया, ये 5 ऊपर पहुंच गया, ये बन गया 15 और यहाँ बचा 8। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, अब ये तो इतना का इतनी है, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। तो ये 3 डिजिट के हैं, इस तरह से करेंगे हम। ये भी 3 डिजिट का है, 3 में से 8 माइनस करेंगे नहीं होगा, क्योंकि 3 कम है और 8 ज़्यादा है, तो 3 के पास कौन सा नंबर है 4, तो ये 4 से बोरो करेगा, तो इसको कट कर दिया, 1 इधर आ गया और ये 3 ऊपर पहुंच गया 13, यहाँ बचे 3। अब पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5। अब 3 में से 7 माइनस करना है तो नहीं होगा, क्योंकि 3 कम है और 7 ज़्यादा है। अब 3 के पास कौन सा नंबर है बच्चों 7, अब ये इसके पास आएगा कि लाओ आप मुझे अब उधार दे दो, तो ये इसको दे देगा 1, ये हो जाएंगे 13 और यहाँ बच जाएगा 6। अब 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो ये 3 डिजिट का था। अब हैं बच्चों ये 4 डिजिट के,
इन्हें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, यहाँ से करना शुरू करेंगे हम। अब जीरो में से सिक्स माइनस करना है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जीरो कम है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो जीरो के पास कौन सा नंबर है? टू, तो ये इसके पास आएगा, तो इसको कट करो। इसने इसको वन दिया और ये जीरो ऊपर पहुंच गया, टेन हो गए और इसके पास बचा वन। अब टेन में से सिक्स माइनस करेंगे फोर, अब वन में सेवन माइनस करेंगे होगा ही नहीं क्योंकि वन तो कम है और सेवन ज़्यादा है, तो वन फाइव से मांगेगा क्योंकि इसके पास कौन है? फाइव। तो इसने इसको वन दे दिया, इलेवन हो गए और इसके पास बचा फोर। अब इलेवन में से सेवन माइनस करेंगे फोर, फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री, अब नाइन में से फोर माइनस करेंगे फाइव। तो ये फोर दे चुके हैं, तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों इस तरह से आपको कितने भी डिजिट का क्वेश्चन हो माइनस में, आपको इस तरह से बोरो करके माइनस करना है, आपको उल्टा नहीं करना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं अरे ऊपर छोटा नंबर है तो आप वो नीचे वाले से माइनस कर देते हैं उल्टा, तो ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। आप करते हैं मल्टीप्लाई। बच्चों मल्टीप्लाई भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए क्योंकि मैथ्स में मल्टीप्लाई का बहुत ही काम होता है, सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार चीज़ें हैं जो हमेशा मैथ्स में यूज़ होती रहती हैं, कभी ये बंद नहीं होती। देखो मल्टीप्लाई पहले हम वन डिजिट का करेंगे। जो नीचे जो नंबर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसके साथ जो भी नंबर है यहाँ पे ऊपर भी वन डिजिट और नीचे भी वन डिजिट, तो नीचे वाले जो नंबर है इसका हम टेबल पढ़ते हैं नाइन टाइम्स। तो थ्री का टेबल हम नाइन टाइम्स तक पढ़ेंगे, थ्री नाइन जा 27। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम पूरा का पूरा नंबर नीचे लिख देते हैं। अब मैंने इसमें देखो ऊपर एक डिजिट और बढ़ा दी, अब ये हो गई टू डिजिट। नीचे हम एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब टू डिजिट में हम वन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखो इसको छुपा दिया तो इसका बन गया फाइव का टेबल, पहले हम टू टाइम्स पढ़ेंगे, फाइव टू जा टेन। तो हम यहाँ सिर्फ जीरो लिखेंगे, जो वन है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो इसके ऊपर लिखेंगे। अब फाइव का टेबल फोर टाइम्स पढ़ना है, फोर तक, ये तो कह रही है इसको नहीं पढ़ना है। फाइव फोर जा ट्वेंटी, और ट्वेंटी में जो कैरी लगाया है इसको हम प्लस कर देंगे, तो ट्वेंटी के बाद ये वन है तो वन और गिन लो, ट्वेंटी वन, यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी वन, दिस इज द आंसर। अब बच्चों मैंने एक डिजिट और बढ़ा दी, अब ये थ्री डिजिट हो गई, कोई बात नहीं। पहले हम फोर का टेबल इसमें पढ़ेंगे एट में, यानी कि फोर एट जा थर्टी टू, तो टू यहाँ लिखेंगे और यहाँ आपका जो थ्री है वो सेवन के ऊपर लगा देंगे कैरी। अब फोर का टेबल इसके बाद सेवन में पढ़ेंगे, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, अब ये जो कैरी है इसको और हम प्लस कर देते हैं ट्वेंटी एट में, ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन, थर्टी वन में हम यहाँ वन लिखेंगे और आगे जो थ्री है वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। फोर का टेबल हम थ्री टाइम्स पढ़ेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, अब ट्वेल्व में ऊपर कैरी कितना है? थ्री, तो थ्री और गिन लो ट्वेल्व के बाद, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो हम नीचे लिख देंगे फिफ्टीन। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे थ्री डिजिट थी, अब एक डिजिट मैंने और बढ़ा दी, अभी यहाँ पर फोर डिजिट हो गई, कोई बात नहीं। जैसे हमने इसको किया इसी तरह से इसको करेंगे। नीचे क्या है? सिक्स, तो हमें सिक्स का टेबल पढ़ना है। सिक्स का टेबल पर हम थ्री टाइम्स पढ़ेंगे, सिक्स थ्री जा एटीन, एट जो वन है वो इसके ऊपर कैरी लग जाएगा। अब सिक्स का टेबल सिक्स टाइम्स पढ़ेंगे, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, और वन कैरी प्लस कर देंगे थर्टी सेवन, तो सिक्स के नीचे सेवन और जो थ्री है वो टू के ऊपर लिखेंगे। अब सिक्स का टेबल टू टाइम्स, सिक्स टू द ट्वेल्व, ट्वेल्व में थ्री प्लस कर देंगे
15, तो 2 के नीचे 5 और जो 1 है वो 9 के ऊपर लिखेंगे कैरी। अब 6 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 9 जा 54 और 1 प्लस कर दो तो 55। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे बच्चों, हमने वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, पहले वन डिजिट को, फिर टू डिजिट, थ्री डिजिट और फोर डिजिट। इसी तरह से कितनी भी डिजिट हों उनको हम इसी तरह से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखिए टू डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर तो हमारी थ्री डिजिट है, ऊपर कितनी भी डिजिट हो, टू डिजिट हो चाहे थ्री डिजिट फोर डिजिट, नीचे अगर टू डिजिट हैं तब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। थ्री को छुपा देंगे, पहले हम फोर का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे वन बाई वन। फोर थ्री जा 12, यहाँ पर टू, वन कैरी लगा देंगे। और फोर फाइव जा 20 और वन 21, फाइव के नीचे यहाँ वन और इसका जो टू कैरी है वो हम यहाँ लगा देंगे। और फोर टू जा 8 और 2 प्लस कर देंगे 9 10, तो ये आ जाएगा 10। अब बच्चों 4 का तो टेबल हमने ये पढ़ दिया, अब हमें 3 का भी पढ़ना है। तो बच्चों जैसे ही हम सेकंड डिजिट का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है इसके नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं, किसी को नहीं बैठने देंगे, ये सीट रिजर्व है। क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, खतरा है। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, पहले 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, तो 1 के नीचे लिखेंगे 9। और 3 5 जा 15, तो इसमें देखो 15 है, यहाँ 5 लिखेंगे। इसका जो 1 कैरी है अब वो हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये नंबर है तो इसके ऊपर लगेगा कैरी। और 3 2 जा 6, 6 में जो ऊपर लिखा था सबसे ऊपर 1 वो प्लस कर देंगे तो 7, तो 1 के नीचे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है, अब हम इनको प्लस कर देंगे, 2 10 1 कैरी 6 और 8, ये आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है सेम, पहले हम इन दोनों को छुपा देंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे। 3 6 जा 18, यहाँ 8 इसका 1 4 के ऊपर लगेगा। फिर 3 4 जा 12 और 1 13, 4 के नीचे 3 इसका 1 यहाँ लग जाएगा कैरी। 3 3 जा 9 और 1 10, देखिए फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, खतरा है, कोई नहीं बैठेगा यहाँ। अब 5 का टेबल हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, 5 6 जा 30, यहाँ 0 इसका जो 3 है वो 4 के ऊपर यहाँ लगा देंगे। 5 4 जा 20 और सबसे ऊपर 3 है प्लस कर देंगे 23, तो यहाँ 3 और जो 2 है वो 1 के ऊपर यहाँ आ जाएगा। और 5 3 जा 15 और 2 17। अब बच्चों 2 का भी टेबल पढ़ना है। अब हम पहले एक जगह खतरा था, दो जगह खतरा, खतरा बढ़ गया, इसके नीचे भी खतरा और इसके नीचे भी खतरा, हर बार एक नंबर खतरे में बढ़ जाएगा। अब हम इसके नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, 2 6 जा 12, इसका जो 1 है वो इसके ऊपर कैरी लगेगा। 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 3 जा 6, ऊपर कोई कैरी नहीं है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इनको प्लस, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, अब यहाँ प्लस लगा देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम प्लस करेंगे 8 3, इनको नहीं करना, ऐसे भी जो हमने लिखी है इनको, 3 और 2 5, 7 इनका 7, 1 कैरी आ जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट और फोर डिजिट का भी इसी तरह से करेंगे हम। अब हम करते हैं डिवाइड, तो बेटा डिवाइड भी आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। ये क्या है, फोर, फोर का टेबल हमें पढ़ना है 32, तो फोर एट जा 32, ये पूरा पूरी
या तो इसके बराबर आना चाहिए बच्चों, या इससे कम। ज़्यादा तो हम कभी लिखेंगे ही नहीं, ये आपको याद रखना कि ज़्यादा तो हमें लिखना ही नहीं है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम। तो इसके बिल्कुल इक्वल है 32, 48 जा 32, तो 32 लिख देंगे, माइनस करेंगे, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जीरो। 6 के टेबल को 69 जा 54, इसके बराबर आ गया बिल्कुल, माइनस कर देंगे, जीरो। 88 जा 64, 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 64 इसके इक्वल आ गया, माइनस सेम नंबर है इसलिए जीरो। जब दोनों सेम नंबर है तो जीरो आता है। तो बच्चों इसे हम कोशेंट कहते हैं और ये रिमाइंडर, ये डिवीजर होता है और ये डिविडेंड। इसी तरह से देखिए 3 के टेबल में 75 और 3 टेन है तो 30, 30 से बहुत ज़्यादा है। तो अब हम एक एक डिजिट डिवाइड करेंगे, हम 5 को छुपा देते हैं। अब 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 आ जाए, 3 के टेबल में आता है 7, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 कम है अभी, और 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 9 तो हमें लिखना ही नहीं है, तो 9 से पहले क्या आया 6, हम 6 लिखेंगे, तो 3 जा 6, अब माइनस करेंगे 1, और अब जो नंबर है इसके बाद जो नंबर है सिर्फ एक नंबर हम यहाँ पर एक बार में एक ही नंबर लिखना है, ये हो गया 15। अब 3 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 जा 15, हम इसे माइनस कर देंगे, सेम नंबर है इसलिए ये ज़ीरो। इसी तरह से देखिए जब यहाँ पे रिमाइंडर, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे हमारा ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट थी, अब हम ये अंदर 3 डिजिट है, अब हम 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। देखिए 5 है, अब हम एक एक डिजिट लेंगे, सबको छुपा देंगे, पहले हम 9, देखो 5 के टेबल में 9 आता है, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 10 तो ज़्यादा है तो 10 तो हम नहीं लिखेंगे, तो 10 से पहले क्या आया 5, कितनी बार पढ़ने से 1 टाइम, तो 5 1 यहाँ लिखेंगे और 5 नीचे, और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। अब बच्चों ये जो इसके बाद इसका नंबर है तो इसको यहाँ एरो बना के यहाँ एक 6 लिख लेंगे, तो ये बन गया 46। अब 5 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50, तो 10 बार तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे 1 और ये 0, अब ये 0 हम यहाँ पे पुल बना दिया, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बन गया 10। अब हम फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ने से 10 आएगा, 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, इसके नीचे 10 लिख देंगे, दोनों सेम नंबर है तो 0। इसी तरह से देखिए ये भी 3 डिजिट हैं, सेम करना है, पहले हम इनको छुपा देंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 के टेबल में 9 आता है, 8 बन जा 8 और 8 टू जा 16, 16 तो ज़्यादा है तो एक ही बार पढ़ेंगे हम, 8 बन जा 8, तो 1 यहाँ लिखेंगे और इसके नीचे 8, तो माइनस करेंगे 1, अब एक नंबर हम एक बार में एक ही नंबर नीचे लिखना है, तो पहले हम 8 लिखेंगे तो ये बन गया 18। अब 8 का टेबल फिर से हमें पढ़ना है, 18 आना चाहिए, तो देखो 8 बन जा 8, 8 टू जा 16 और 8 थ्री जा 24, 24 तो ज़्यादा है तो कम कर देंगे, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टू जा इसके नीचे लिखेंगे 16, तो माइनस कर देंगे, 8 में 6 गए 2 और ये 0। अब 4 को पुल बनाओ यहाँ, ये आ गया 4, ये बन गया 24। अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम, 24 आता है, 8 बन जा 8
8 to the 16, 8 3 जा 24 आ गया। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 24, फिर माइनस करेंगे, सेम नंबर है 0। तो बच्चों इसी तरह से आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनकी बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि कभी भी आप जब इनको करें तो आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इनको बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।